स्कूल से लेके कॉलेज तक और आगे भी हमेशा डॉक्टर अंबेडकर की बात एक ही लाइन में समाप्त हो जाती है कि उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को देख दिया. ही वॉज द चेयरपर्सन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. कहीं पे भी उनके नारीवादी चिंतन के रूप में आपको वो बनने नहीं दिखती. जेंडर स्टडीज की बात करते हैं, विमेन स्टडीज की बात करते हैं, लेकिन कहीं पे भी अंबेडकर को फेमिनिस्ट थिंकर की तरह प्रेजेंट किया नहीं जाता है. उनके पॉलिटिक्स को समझाया जाता है और उनकी पॉलिटिक्स कहां तक सीमित है, रिजर्वेशन तक सीमित है. तो मेरे लिए भी डॉक्टर अंबेडकर का परिचय उतना ही था. अपने रिसर्च खत्म करने के बाद अपने इंटरेस्ट से जब आप पढ़ना शुरू करते हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं या उनके खुद के उनके लेखित किताबें या एसेस वगैरह पढ़ते हैं, तब आपको समझ में आता है कि डॉक्टर अंबेडकर ने महिलाओं के बारे में क्या क्या लिखा है और क्या क्या सोचा है. पर उससे वो विषय पे जाने से पहले मैं दो चीज आपको सामने रखना चाहती हूँ. पहली बात ये कि एक हफ्ते पहले नेशनल ब्रांच रिकॉर्ड ब्यूरो, जो कि भारतीय सरकार का ही इंस्टीट्यूशन है, उनकी एक रिपोर्ट आया और ये रिपोर्ट बहुत ही भयजनक है. और इस रिपोर्ट के अनुसार 15 साल से लेके 40 साल की महिलाएं, उनका सुसाइड रेट सबसे ज्यादा है. अगर आप पूरे दुनिया की स्टैटिस्टिक्स लोगे तभी भी 15 ईयर से लेके 40 ईयर्स तक भारतीय महिलाएं आत्महत्या करती हैं. क्यों करती आत्महत्या? अब 20 से 40 तक तो जाहिर सी बात है कि वो लोग शादीशुदा महिलाएं हैं ज्यादातर. तो फिर ये प्रॉब्लम का रूट्स जो है या प्रॉब्लम की जड़ है वो कहाँ पे हम देखें? और दूसरा एक रिपोर्ट है, ये सारे रिपोर्ट्स ऑनलाइन है, आप चेक कर सकते हैं. दूसरा भारतीय सरकार का ही रिपोर्ट है कि महिलाएं शिक्षित तो हो रही हैं, कॉलेजेस जा रही है, स्कूल्स जा रही है, उनका शिक्षा का दर भी बढ़ रहा है, लेकिन शिक्षा के बाद जितना उनका वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन यानी कि वो इकोनॉमिकली आर्थिक तरीके से काम कर रही है कि नहीं, वो दर जो है वो कम होता जा रहा है. तो ये दोनों विडंबनाओं को हम कैसे समझेंगे? क्योंकि दोनों समस्याएं आज के हमारे सामने बहुत बड़ी चुनौती दे रही है. तो जब शिक्षा मिल रही है तो शिक्षा का हो क्या रहा है? उसका कोई ट्रांसफॉर्मेशन, तो इमेंसिपेशन, किसी तरह का बदलाव क्यों नहीं हो रहा? तो अभी तक जितनी भी बातें हमने सुनी थी वो समाज के लेवल पर सोची, लेकिन अब जरूरी ये भी है कि वही सवाल हमें नीचे जिंदगी यानी कि फैमिली के लेवल पे सोचनी पड़ेगी. तो जो फोकस है वो बाहर से होके अंदर की तरफ हमें करना पड़ेगा, तभी हमें इन सारे सवालों के जवाब मिलेंगे.